So hey guys, मैं हूँ आपके साथ आरजे निशा and today I'm yet another year bringing you another episode of #TheBlueMic जहाँ हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ में और ऐसे सिंगर्स के साथ में जिनकी आवाजों में आपके दिल को हमेशा के लिए मनहोश कर रखा है. Who do I have with me? Someone who is from राजस्थान की छोरी बट अब है वो मुंबई की मुलगी. We've got पावनी. Hello dear, कैसी है आप? Hi निशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? Absolutely good and it's so good to meet you back, you know, कि अब तक सिर्फ आपकी आवाजें हमने सुनी थी, आज पहली बार आपके दर्शन भी होने वाले हैं. Mommy, tell me something, you know, it was written कि मुश्किल से आप 3-4 साल की थी जब आपको लगा यार कि म्यूजिक आपको सीखना है, समझना है, इसी में कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा भी बनना है. But that's such a tender age, शायद ही हमें पता हो कि हमें करना क्या होता है. How did you start up with all this, you know? Okay, if you could just let us know about the journey of yours. Yeah, so basically मैं जब 3 साल की थी तो उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था कि आगे जाके सिंगर बनना है, बट गाना गाना अच्छा लगता था. आई मीन, मुझे भी नहीं पता कि मैं 3 साल की थी तब मैं क्या सोचती थी, ये तो सब मॉम डैड बताते हैं. बट आई थिंक मेरा जो फर्स्ट रियलाइजेशन था कि मुझे सिंगर बनना है, इसी लाइन में जाना है, प्रोबेबली दैट हैपेंड एट द एज ऑफ से 7 or 8 व्हेन मैं चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म करती थी. और जस्ट वन फाइन डे इट वाज जस्ट लाइक अ बीम ऑफ लाइट कि यही करना है. So I don't know how that happened. I know, मतलब मैं भी आजकल 6-7 साल के बच्चों को देखती हूँ and I'm like, shit, I was like really that young कि जब मैंने decide किया कि मुझे सिंगर बनना है, but it just happened, it just came naturally to me. Okay. So, you know, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब हम कहते हैं कि when you're singing that you wish कि I really want कि कभी ना कभी जिंदगी में मुझे इस सिंगर के साथ काम करने का मौका मिले या इस कंपोजर के साथ काम करने का मौका मिले. एंड व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो, आप ऐसे बहुत से दिग्गज कंपोजर्स के सामने गुनगुना रहे होते हैं दैट दे एट एवरी पॉइंट टू जज यू. सो हाउ यू गॉट दैट फीलिंग कि यार मुझे इनके साथ परफॉर्म करना है, मुझे इनका म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है एंड दिस इज द टाइम कि मुझे यहाँ से निकलती बस आई विल बी विद दिस पर्सन? बहुत बार हुआ है. इनफैक्ट मैं हमेशा से सोचती हूँ कि यू नो मेरी जर्नी वैसे इट हैज बिन क्वाइट लॉन्ग, बट अभी मेरी लाइफ में बहुत बहुत आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना बाकी है. एंड आई थिंक इन द टॉप नेम्स दैट आई हैव वन ऑब्वियसली इज मिस्टर ए आर रहमान. रहमान साहब इज समबडी जो हर सिंगर का एक ड्रीम है. तो हालांकि मुझे मौका नहीं मिला उनके सामने गुनगुनाने का, बट आई गॉट दिस चांस टू मीट हिम वंस एंड आई वाज स्मिटन, आई वाज ब्लोन अवे बाय हिज ह्यूमिलिटी और जो जिस प्यार से एक आर्टिस्ट से मिलते हैं. एंड आई वाज लाइक कि इस इंसान का म्यूजिक तो कमाल है ही, पर ये एज ए इंसान भी बहुत बहुत ग्रेट है, तो इनके साथ तो डेफिनेटली काम करना है एक बार. सो दैट इज वन पर्सन एंड अदर देन दैट I'm also a huge fan of Shankar Asan Loy. But you know, like, Pawni, you say about कि जब आपने जैसे कहा कि हमारे childhood के crushes है जो इन गानों के साथ जुड़े हैं, या ये album जब एक time था कि जब हम उन सुना करते थे on repeat mode. So when you talk about independent music and you being an independent artist yourself, what do you think कि क्या ऐसा था वो कि ये एक independent music के album का चलन अचानक से गायब हो गया और अब धीरे धीरे वापस लोगों ने बीच में इसको पकड़ना शुरू किया कि हाँ ये music होना जरूरी है? So how do you see this journey? I think independent music was always here to stay. I mean, it is always here to stay. अगर आप back, because I am a 90s kid, so if you see back in the 90s we had Alisha Chinoy, Zayn Mendhi, Shan. We had so many bands. We had Mohit Chauhan, and all of these artists have always been consistent throughout. And there are so many artists who have, you know, they have begun their journeys as independent artists. And independent music, उनकी journey में बहुत important role play किया, like Sunidhi Chauhan, Sonu Nigam with his album Deewana, and also Shreya Ghoshal. So I don't think that independent music कहीं चला गया था. For sure, independent music को शायद हम कह सकते हैं कि उसपे से थोड़ा attention चला गया था towards the film music. But now with you know with all these digital platforms at play, एक आज हर एक इंसान, हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास एक ये प्लेटफॉर्म है, एक ये चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना म्यूजिक बिना किसी you know किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए वो अपना म्यूजिक रिलीज कर सकता है. पहले इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस कि यू नो यू हैड टू गो थ्रू अ लॉट मेनी स्क्रीनिंग्स एंड मीटिंग्स एंड लाइक थ्रू सो मेनी पीपल. But now it's like if you have a laptop, if you have a studio, if you have a microphone at home, you're talented, you can just record something and put it out there. So now it's much easier. I would say कि पहले थोड़ा सा difficult हुआ करता था, इसलिए शायद independent music थोड़ा सा backseat पे चला गया. But now it's right in the forefront. हाँ, it's here to absolutely stay there. Pawni, there's been time कि जब हम बात संगीतकारों की करते हैं तो इनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आती है चली जाती है. फेम आता है बिकॉज यू आर इनटू रियलिटी शो. उसके बाद अचानक से जब रियलिटी शोज चले जाते हैं तब हम लोगों के नाम भूल जाते हैं. फिर वापस कुछ पॉपुलर गाने आते हैं, फिर हम इन्हें सुनते हैं और फिर इन्हें वापस याद करते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को जब आपको पता है कि एक पल में बहुत काम है, एक पल में सिर्फ आपके इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए आपके पास वक्त है? सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? So, सबसे पहले तो I firmly believe in one thing, that nothing is permanent. एंड चाहे वो अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, चाहे वो खूब सारे खूब काम करने का वक्त हो या फ्री बैठने का वक्त हो, कुछ भी परमानेंट नहीं. तो दैट इज हाउ आई ट्राई टू कीप माय सैनिटी. एंड आई थिंक कि that's the only thing. I mean, there's nothing else that you can help about. So, लेकिन पावनी होता है ना कि जब हमारे साथ जिंदगी का उतार चढ़ाव जब चल रहा होता है, there is someone who's called as our support system, जिन पर हम निर्भर करते हैं emotionally and even creatively at times. तो who do you look up to? यानी कि आपका biggest support system कौन रहा है? और अगर आज आपको उन्हें कुछ कहना हो, उन्हें वापस इतने सालों तक जो आपके साथ जुड़े हैं, तो what would that be? सबसे पहले तो मेरा जो सबसे बड़ा support system है, that's my family, my parents and my sister. I don't think कि इनसे ज्यादा बड़ा support system मेरी life में कोई भी रहा है, because they have been just constantly with me, standing by my side. और मैं बहुत आर्टिस्ट को देखती हूँ एंड बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली उनका सपोर्ट नहीं मिलता एंड आई फील टेरेबल फॉर देम. बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी थैंकफुल टू हैव अ फैमिली लाइक माइन. सो पावनी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ में अभी तक एक सबसे सक्सेसफुल स्टेज पे अगर हम आपको कहें कि दैट वन स्टेप यू फेल्ट लाइक this is my aha moment, इसीलिए मैं actually सिंगर बनी थी and this is what I wanted the people to know about me, तो वो moment कौन सा रहा? Yeah, so the closest to that feeling that you're talking about is that feeling when I heard my song playing in a Shahrukh Khan film and I saw Shahrukh Khan in the song that I had sung. It was out of this world. It was an out of this world experience for me. I'm sorry, I'm such a fangirl. पावनी, जैसे हम अभी बहुत सारे रियलिटी शोज को देखते आए हैं, बहुत सारे अपकमिंग सिंगर्स को देखते आए हैं और वैसे थैंक यू टू द सोशल मीडिया कि बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट हमें देखने को मिलते हैं जो भले रियलिटी शोज का हिस्सा नहीं है बट दे आर वेरी पॉपुलर अमंगस्ट पीपल. तो एक क्या पीस ऑफ एडवाइस है जो आप उन सबको देना चाहेंगे विथ योर एक्सपीरियंस? जैसे हम कहते हैं ना कि सक्सेस दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए, तो कुछ अनफॉर्चुनेटली बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि ओके तो हम अच्छे सिंगर हो गए, हमें इतनी तारीफ सुनने को मिलती है, हमें लोग भी पहचानते हैं, तो या नाउ आई एम देयर. बट दैट्स नॉट अ ट्रूथ, बिकॉज आज आप स्पॉटलाइट के अंडर हैं, कल को कोई और होगा, आज से 6 महीने बाद कोई और 2 साल बाद प्रोबेबली कोई और. तो वो स्पॉटलाइट इट्स अ मूविंग लाइट, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्टेशनड एट यू. तो आपको ये बात अच्छे से गांठ बांध लेनी चाहिए दिमाग में कि ये स्पॉटलाइट आज मेरे अंडर है, बी थैंकफुल फॉर इट, learn from that experience and use that experience in your in your further life. Just don't feel ki ha I am there, I have arrived. No, you have not. You're just starting. You're just starting. तो मतलब ये बात है कि सक्सेस को हमारे सर चढ़कर हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं हमारी आवाज की जो है वो नजदीकियां बढ़ाए रहना चाहिए. And I am sure I like it. I just love that interview कि आप मुझे पावनी से वो उस गाने की बात करनी कि मैंने needs like नजदीक किया, मतलब कितना नजदीक है ये गाना आपके दिल के, और क्या आप उसे गुनगुनाएंगी प्लीज हमारे लिए? With pleasure, with pleasure. रात ये कहीं खो ना जाए तेरी बातों में, तेरी बातों में, चाहते सभी पूरी कर ले यहीं पर, ये है हाथों में सदियों का न चाहूं वादा, आज का बता दे इरादा, यूं ही गुजरते लम्हों को जी ले हम जरा, कल न जाने कौन कहाँ हो, होना है जो आज यहाँ हो, तोड़ क्या बात है, मतलब बिल्कुल बढ़ जाएंगी आप जिस तरह से गुनगुना रही है, हमारे नजदीक आपसे ऐसे ही बढ़ जाएंगे। यू नो पावनी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सीरीज आई हैव फ्रॉम यूएस की, क्या ऐसा लगता है आपको कि यू नो मुझे कभी कभी किसी सिंगर की नकल करनी चाहिए? बिकॉज यू नो आई रियली फील कि इसके गाने का तरीका बड़ा अच्छा है। हैव यू कॉपीड समवन और हैव यू ट्राइड टू इमिटेट समवन इन योर सिंगिंग एट टाइम्स? I will be lying if I say that I have not. But जब मैं छोटी थी, when I started off, I used to try to copy Sunidhi Chauhan because मैंने जैसे कहा कि you know she was my idol, she is still my idol, and तो initially I used to try and sing like her and sound like her, but then you know मेरे teachers जो थे and मेरे साथ जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, उन सब ने मुझे एक बात समझाई कि किसी को आइडल मानना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, बट किसी को कॉपी करना you know, वो शायद आपकी इंडिविजुअलिटी बाहर आने से रोक देता है। एंड I was lucky enough that I got these teachings and I got these advices from many many wise people around me. एंड मैंने वो बात अपने दिमाग में रखी कि मुझे ना उनको कॉपी नहीं करना है, मुझे उनसे सीखना है। आई शुड लर्न फ्रॉम हर, आई शुड लर्न हाउ शी स्टाइलाइजेस, हाउ शी मॉड्यूलेट्स, हाउ शी यूजेस द टेक्निक्स, एंड ये सब सीखने में कोई बुराई नहीं है, बट उनको कॉपी करने में शायद मेरी इंडिविजुअलिटी कहीं छुप सकती थी। सो आई यूज्ड टू कॉपी हर, बट नाउ आई डोंट, आई ट्राई नॉट टू, आई ट्राई वेरी हार्ड नॉट टू। Where should I hide? Because now there is not just you, me, and some people who've been hearing us, but there's this another person who can hear us. Maybe someone who can actually admire you for your singing. Because we've got even an independent artist with us. Shreya ne hamare saath hame join kar liya. So Shreya, hello. Hi, thank you for having me. Shreya, bhi jaise aapne dekh hi liya. In fact, Pawni peeche guitar dikh raha hai. Hello. सी लड़की यहाँ दिख रही है, so she is also an upcoming artist, I should say, you know, where she's going to be having some beautiful things to explore in her life, in her music, in fact. So Shreya, क्यों ना आप हमें आपके बारे में और आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। Sure, like for music, मैं बचपन से म्यूजिक में कुछ ना कुछ करती हूँ। So when was that first break you think that gave up your life? कि आपको लगा कि बॉस ये होगा तो अब मेरी लाइफ में ना लोगों को पता चल जाएगा कि बॉस मेरा नाम श्रेया है, मैं गाना गुनगुनाती हूँ और लोगों के दिलों पे राज करने के लिए पहुंच चुकी हूँ। वो कौन सा पल था आपके लिए? वो तब था जब एक्चुअली आई वाज इन वन ऑफ योर कॉम्पिटिशंस फ्रॉम बिग एफएम, सो इट वाज बिग गोल्डन वॉइस इन द ईयर 2020, सो आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, सो आई वाज वन ऑफ द नेशनल फाइनलिस्ट, and so there when I got to meet people, and then that was actually the first time when I actually started having some faith in myself, and when I got back I started composing out of the blue. I never used to compose music before that, and after that I like started composing, and ever since then I've written quite a lot of songs, and I've also composed quite a lot of songs, and I plan on releasing them like very soon. I recently collaborated with Mohit sir in last year 2021, and I released one original with him, and it's called Nasamma Jughal. It's a beautiful song. You guys should like check it out, and it's amazing. And ever since then, like there's no stopping, and I want to keep learning. As I said, like I always want to keep learning because I'm like, really passionate about music and anything that has to do with performing arts, actually. So I love everything about it. Totally. So Shreya, क्या आप कोई गाना हमारे लिए गुनगुनाना चाहेंगी? Yeah, sure. I would like to sing like a line of Nasamma Jughal. I have a very bad throat, like really, not kidding. But like I'll just try to sing a line of that. No, it's okay. It's okay. Nasamma Jughal, तू सोच रहे क्या? तू जो भी बूझे वो होता कहाँ? ना समझो दिल तू रोता है क्यों? थोड़ा सा गम भी तो है तेरा हिस्सा, पत्थरों से भरा ये जहाँ और तू है बना, घूमे कहाँ तू घूमे कहाँ? ना समझो दिल तू घूमे कहाँ। क्या बात है, क्या कहना चाहिए आप। That is amazing, that is amazing। ये खराब गले के साथ ऐसा गा रही हैं, तो मतलब जब इनका गला बिल्कुल ठीक होता होगा तब ये क्या गाती होंगी। ओफ, amazing, outstanding Shreya, yeah. I'm a fan really। Thank you so much, really wish you very speedy recovery and thank you once again for joining with us, and it's wonderful knowing such beautiful people around us, you know, exist and have beautiful music to give it to us, so thank you once again. Thank you so much for having me. Thank you so much, Shreya. Thank you, all the best. Thank you so much, all the best to everyone, and I wish everyone a good health and yeah, thank you. क्या बात है, इट वाज सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स अराउंड हियर। तो जब इतना सब कुछ अच्छा सा हो ही जाएगा तो आपके गाने का खुमार भी हो जाना चाहिए। खुमार है तेरा मुझे आके झूले मुझे आहों से रखते जरा रात ये भीगे भीगे मेरे लबों पे सांसें मेरी कुछ कहें तुझसे भर के मुझे इन बाहों में प्यास बुझा होठों से है जना दे खुद को मुझ में जरा क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग टू गो विदाउट दिस। पावनी, एक राजस्थानी फोक गाना गाना चाहेंगी आप? सावरियो घेट माई रे रमैयो घेट माई, सावरियो घेट माई रे रमैयो घेट माई, थाने कठे थाने कठे थाने कठे थाने कठे थाने कठे ढूंढ बा जाऊ रे सबरियो घट मां हो जियो, बिरमा देखा बिस्नु देखा बिरमा देखा बिस्नु देखा देखी सीता माई रे एज देखी सीता माई रे सावरियो घेट माई, थाने कठे थाने कठे थाने कठे थाने कठे थाने कठे वाणवा जाऊं रे सावरियो घट मा हो जियो। क्यों रुक गई आप? Okay. Another song, if you want, I can sing Hamra. That is my own song. तू ना हो तो जहाँ कुछ भी ना तेरे बिन, तेरी बाहों में गुजारूं मैं हर पल हर दिन, धड़कन ये मेरी कह रही तेरे दिल से ही सुन, आ मिल के बुने हम एक हयात वो जहाँ हर जमी हो मोहब्बत में गुम हमरा, तू मेरा amazing. So I mean, these are some of those songs I suppose, Pawni, जो हम ऐसे repeat mode पे सुनते चले जाना चाहिए, and Hamra is one of them, you know, it's like just let it go. Sweet. Thank you so much. Any other song which you would like to sing from your own music, like any Pawni जो आप गुनगुनाना चाहें, जैसे आपने ही in fact लोगों के सामने? Yeah. Wait, there's one more. There's Meherba. It's one of my favorites. धीमी दस्तक हुई नजरों ने जो मुझको छुआ तेरी ही बन गई, जर्रा जर्रा मेरा हो गया है अब से तेरा, तुझ में ही मैं रहूं ऐसे, जैसे दिल में हो दुआ हो आँखों में सपना छुपा, मिला है तुझ में ही मुझे मेरा जहां, मेहरबा हुआ हुआ मेहरबा, मेहरबा हुआ हुआ मुझ पर खुदा, मेहरबा हुआ हुआ मुझ पर खुदा, मेहरबा हुआ हुआ मुझ पर खुदा, मेहरबा मेहरबा हुआ हुआ मुझ पर खुदा। क्या बात है। और हम पे मेहरबानी की आपने आज ये वक्त निकाल के हमारे साथ ये सारे गाने गुनगुनाए। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस थिंग्स एंड थैंक यू ऑल आवर लिसनर्स वंस अगेन, जो आप इतने अच्छे इनफैक्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सुनते हैं और इन्हें सराहते हैं, इनके साथ जुड़े रहते हैं, बिकॉज दिस इज # द ब्लू माइंड। और वी वुड रियली लाइक टू थैंक पावनी फॉर एक्चुअली शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी विद अस एंड सिंगिंग सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स विद अस दैट वी जस्ट वांट हर टू गो ऑन एंड गॉन। एंड आई विश ए आर रहमान के साथ गाना गुनगुनाए, दिलजीत दोसांझ के साथ भी आप गाना गुनगुनाए। Really have those small wishes with me that they come true for you. Thank you so much, Nisha. Thank you so much. It was a pleasure.